जिला पंचायत सदस्यों ने 50,000 रुपये मानदेय, 50 लाख का दुर्घटना बीमा की मांग की। बरेली में जिला पंचायत सदस्यों ने मानदेय और दुर्घटना बीमा, टोल प्लाजा पर गाड़ी निःशुल्क निकलने की मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय पर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में ममता गंगवार, छेदालाल दिवाकर, डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप सागर, राजेश कुमार गंगवार, नीरज मिश्रा, इंद्रपाल सिंह, नीलम गंगवार, नोनी राम आदि जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। नीरज मिश्रा, मैं जिला पंचायत संघ एसोसिएशन है इसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और बरेली मंडल का प्रभारी हूं। आज जो ज्ञापन यहां बरेली में दिया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में ही हर जनपद में हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारी सह प्रभारी जी ममता गंगवार जी भी हैं, इनको बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है, और जिला अध्यक्ष ग्रुप ब्रह्मस्वरूप सागर साहब हैं, दिवाकर जी हैं, नीलम जी हैं, सतपाल जी हैं, राजेंद्र जी, सभी लोग बहुत मेंबर हमारे आ रहे हैं, और हम लोग सभी अधिकारियों को, डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, एडीएम साहब को दिया है। शासन से मांग ये है कि हमारा एक मांग पत्र दिया गया है, इसमें प्रमुख मांग ये है कि जैसे हमारे जिला पंचायत में बहुत से सदस्यगण होते हैं, कुछ नए होते हैं, अब जैसे आप पुरानी 2-3 बार मेंबर रह चुकी हैं, आप भी रहे हैं सब लोग, तो उनको साथ बड़ा भेदभाव भी होता है कि किसी को विकास के काम उसके क्षेत्र में 10-20 लाख के मिल रहे हैं, किसी को 50 के मिल रहे हैं, तो ये भेदभाव समाप्त होकर एक समान रूप से जिला पंचायत सदस्यों को 1 करोड़ की निधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास के प्रति दी जाए। अगर मेंबर अपने क्षेत्र में विकास के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, बात नहीं कहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सब लोग ये बात नहीं कहेंगे सभी मेंबरों की बात, तो उनके क्षेत्र में विकास के कहीं ना कहीं पर से जो है विकास का जो है अधूरापन रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए, समान विकास के लिए मांग है। दूसरा, हमारे बहुत बहुत दूर से क्षेत्र में से लोग आते हैं, सभी मेंबर अपने क्षेत्रों में जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, जगह जगह जो टोल प्लाजा हैं, माननीय सदस्य जो विधानसभा हैं, माननीय लोकसभा सदस्य हैं, इनको कहीं दिक्कत नहीं आती, हमारे मेंबरों के पास भी 4 व्हीलर्स हैं, तो ये लोग जब निकलते हैं तो बार बार टोल प्लाजा पर लोगों का समय भी बर्बाद होता है, उनसे वहाँ पैसा लिया जाता है। अब मेंबरों को निधि तो है नहीं, मानदेय की भी मांग करी गई है कि हमारा मेंबरों को महीने में मानदेय मिले, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई मानदेय नहीं मिलता, प्रधान जी को भी मिलता है 5,000 मानदेय, जिला पंचायत सदस्य जो इतने बड़े क्षेत्र चुनकर आपको मानदेय नहीं, तो कम से कम उनको मानदेय जो है दिया जाए जिसमें लिखा हुआ कि 50,000 की मानदेय हम लोगों ने करी है, टोल प्लाजा पर हम लोगों से कोई पैसा न वसूला जाए, यही सब मांगे हैं। और इसमें बहुत बड़ी, बाकी जिला पंचायत सदस्य जागरूक हैं, हमारी ममता जी आपको बताएंगी कि यहाँ बरेली की जो भी प्रभारी ये बनाई गई, सह प्रभारी हमारे साथ में हैं और पूरे मंडल में ही ये जाके काम करेंगी। यहाँ पर हमारे ब्रह्मस्वरूप जी हैं, ये जिला संगठन मजबूती दे रहे हैं, सभी सदस्यों के लगातार संपर्क में हैं, तो ममता जी अब आपको बारे में बताएंगी यहाँ पर जो। ममता गंगवार, क्या मांगे आप? बस मांगे यही हैं कि हम लोग क्षेत्र से चुन के आते हैं, एक सभी नेताओं की एक जिला पंचायत सदस्य पे बहुत ही उम्मीदें होती हैं कि जाएं और अपने हमारे लिए काम करें, लेकिन हम लोग काम किस बेस पे करें? चुन के तो आते हैं हम लोग, कोई कोई अपने मजबूती के दम पे चुन के आते हैं, कोई पार्टी के बेस पे चुन के आते हैं, लेकिन हम लोग क्षेत्र में काम किस बेस पे करें? मतलब अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिला पंचायत का क्या दायित्व इतना ही है उसके गाड़ी पर लिख जाए जिला पंचायत सदस्य, या उसको ये कौदा मिल जाए जिला पंचायत सदस्य, कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए 50+ से हम लोग चुन के आते हैं, हैं लोगों की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि विधायक जी फ़ोन ना उठाएं, मंत्री जी फ़ोन ना उठाएं, सांसद जी फ़ोन ना उठाएं, लेकिन जिला पंचायत एक ऐसा व्यक्ति है बीच का जो हर समय पब्लिक के बीच में रहता है, 24 घंटे फ़ोन उठाते हैं, 24 घंटे सभी हमारे सभी उठाते हैं, सभी दुख दर्द सुनते हैं, लेकिन बस मेरा यही मानना है, यही मांगे हैं कि यही दुख है, यही दर्द है हम लोगों का कि जो भी मांगे हमारे संगठन से उत्तर प्रदेश से हम लोग के पास आई हैं वो लागू की जाए, और हम अपनी लड़ाई हम यहाँ अगर नहीं हुआ तो प्रदेश लेवल पर लड़ेंगे, मतलब हम लोग अब चुप बैठने वालों में से नहीं रहेगा। एक बिंदु और है, जैसे भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद, हम सभी लोग तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सागर है, वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज इंसान जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के जिला पंचायत सदस्यों की समस्याओं को उठाने का एक अहम काम किया है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य
50,000 की जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं और प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, MLC सभी को मानदेय मिलता है, उनकी एक पर्सनल निधि होती है और हमारे जिला पंचायत सदस्यों की कोई निधि नहीं होती है। इसीलिए हमारे जो जनता है वो बार बार हमारे सामने उनकी समस्याएं रखती हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने में हम अपने को ठेगा महसूस समझते हैं, असमर्थ समझते हैं। इसीलिए नीरज इंसान जी ने यानी कि प्रदेश के जिला पंचायत सदस्यों की समस्याओं को उठाया है। हमारे जिला पंचायत सदस्य जो योजना विकास भवन में बनाई जाती हैं उनमें भी भाग लेते हैं, मगर उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं में, कार्यान्वित योजनाओं में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता, प्रस्तावों को शामिल किया जाए। और हम लोगों को गांव के बाहर विकास कार्य करने के लिए दिया जाता है, जबकि जनता हमसे गांव के अंदर भी काम कराने की मांग करती है, क्योंकि अगर हम गांव के अंदर काम नहीं करा पाएंगे तो अगले जाकर के दूसरे टर्म में हम उनसे वोट किस आधार पर मांग पाएंगे। अब जैसे हैडपम्प की समस्या है, आवास की समस्या है, ऐसी अन्य तमाम समस्याओं में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। हम प्रशासन और शासन से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे कि हम जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें।